नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश कुमार कुशवाहा। आज कोई वीडियो का मेन विषय कुछ नहीं है, बस कुछ लोगों का जवाब है। बहुत मेरे मित्र, मेरे भाई, मेरे प्रेमी बंधु बोले थे कि आप बाड़ाए बनाए हैं तो जगह कम रखे हैं, पूरा आगे से खुला हुआ है तो बरसात में कैसे बकरियां खाएगी। तो देखिए बारिश हो रहा है बाहर, उधर पूरा दिखाइए, पूरी रूप से बारिश हो रहा है दोस्तों, बारिश हो रहा है बाहर। और देखिए बकरी भी मज़े से खा रही है, और कहीं से भी पानी बकरियों को टब में नहीं जा रहा है, तो मज़े से बारिश भी हो रहा है, अपना भी काम चल रहा है। तो मेरा कहने का मतलब था कि मैं उस समय आपको बताया था, कमेंट का जवाब भी मैं दिया था कि बरसात आने दीजिए, उसका मैं वीडियो बना के दिखाऊंगा। तो आइए देखिए, कहीं से कोई परेशानी नहीं है, बाहर बारिश भी हो रहा है, बकरी मज़े से खा रही है। तो यह स्पेस कम इसलिए बताया गया था दोस्त, मैं कोई ऐसा नहीं हूँ कि मैं जो भी वीडियो मैं आपको बनाता हूँ या करके दिखाता हूँ एज पे ना जाए। मैंने बहुत दिन इसमें झेला है और बहुत लोगों को मैंने दिया है, तो आज मैं ले रहा हूँ लोगों से। तो कहने का मतलब है कि ये कम स्पेस रखने से ये फायदा है कि अभी बरसात है तो मैंने ऊपर तिरपाल लगा दिया है, दिखाइए मैंने ऊपर पूरी रूप से तिरपाल लगा दिया है, और नीचे बकरियाँ मज़े से खा रही है, कोई परेशानी नहीं है, पूरे में तिरपाल लगा हुआ है। और जो ये स्पेस आप देख रहे हैं, यहाँ का स्पेस, जो बीच का आप स्पेस देख पा रहे हैं, इस तरीका से गेट बाई गेट बना हुआ है। मैं इसको बंद कर दूंगा, जैसे कि गेट बंद हो गया, ये गेट मैंने बंद कर दिया, तो ये स्पेस जो पूरा इस बाड़े की जो बकरी है, आराम से घुमाइएगा कैमरा, आराम से इस बाड़े की जो बकरी आप खाने देख रहे हैं, खाने के बाद मैं खोल दूंगा तो इसमें घूमेगी, इसमें घूमेगी। और बारिश तो बाहर हो रहा है तो अंदर मैं सफाई कर पाऊँगा, तो ये सोच के बनाया गया था। और जो तिरपाल आप ऊपर देख पा रहे हैं ये बरसात के लिए सिर्फ है, बरसात खत्म हो जाएगा तिरपाल हट जाएगा। इक्का दुक्का बीच में अगर बारिश बेमौसमी आता है तो उससे विशेष फर्क पड़ने वाला नहीं है, हल्का फल्का एक दिन डिस्टर्ब भी आप होंगे तो उतना तो चलता रहेगा। तो इसीलिए स्पेस कम रखा जाता है ताकि आगे का अगर पल्ली हम खोल दिए तो अंदर की ओर हवा जाए और बिल्कुल सूख जाए। तो यही मैं बाड़ा बनाया था। और उस समय जब मैं शुरू में बाड़ा दिखाया था तो बहुत लोगों का कॉमेंट आया था कि भाई आप बनाए हैं लेकिन बरसात में कैसे कवर करेंगे। अब मैं सर्दियों में, मैं सर्दी में भी करके दिखाऊँगा, लेकिन मैं एक इशारा आपको कर देता हूँ कि इसका भी तिरपाल यहाँ से यहाँ का तिरपाल भी नापी करके काट के रखा हुआ है। तो सर्दियों में पूरे एरिया में तिरपाल यहाँ से बांध कर यहाँ लटका दिया जाएगा नीचे, तो ये पूरा एरिया कवर हो जाएगा, बाहर का बर्फीली हवा अंदर नहीं आ पाएगी। तो इस तरीका से पशुपालन में जैसे जैसे आप पुराना होते जाते हैं, आपको एक्सपीरियंस बनते जाता है, और ट्रेनिंग कोई किताब ही नहीं होता मेरे दोस्त, जो मैं इतना दिन में किया हूँ और वही मैं ट्रेनिंग के दौरान लोगों को बताता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं किताब पढ़ा और आपको बताया, ऐसा कुछ नहीं है। जो मैंने ज़िंदगी में बकरियों के साथ झेला, जो मैं बकरी पालन में देखा, जहाँ समस्या आता है और उसका समाधान क्या है, वही मैं आप लोगों को बताता हूँ ट्रेनिंग के दौरान या फिर यूट्यूब पर कोर्सेस कर रहा हूँ। तो कहने के मतलब है कि नेगेटिव बातें तो ठीक है, चलता रहेगा, होता है बहुत लोगों को, ये भी होता है कि पता नहीं क्यों लेकिन किंतु परंतु तो लगा हुआ रहता है। मेरे भाई आप लेकिन किंतु परंतु सोच रहे हैं और मैं कर रहा हूँ। बहुत सारे यूट्यूबर कहीं जाके वीडियो बनाते हैं और बस वीडियो बनाते हैं और सामने वाला को बस, वो तो यूट्यूबर हैं भाई, वो तो सब तरह का वीडियो बना रहे हैं, उन्हें क्या पता इन चीज़ों के बारे में। किसान क्या बेचारा, किसान से जो पूछे किसान बताया, उस समय किसान भी जोश में रहता है कि जो पूछ रहा है बता दूँ। तो बाड़ा कम खर्च में बनाएं, बाड़े से बकरी, बाड़े से कमाई नहीं आएगा, बकरी से कमाई आएगा, किसान भी बढ़ चढ़ के बोलते हैं, लेकिन जब समस्या आता है ना तो किसान का हवा लीक हो जाता है। बाड़ा अगर मजबूत नहीं हो, बाड़ा अगर मजबूत नहीं हो तो आप इतना परेशान होंगे कि बकरी पालन तो दूर की बात है, उसके बारे में बाद में आप सोचेंगे भी नहीं, इतना बकरियाँ आपको इरिटेट कर देगी। हालांकि कितना भी आपको प्रिय जानवर वो है तो आखिर जानवर ही। तो बाड़ा इस तरीका से सोच समझ के बनाएं ताकि आपको मौसम का, कैसा भी मौसम का सामना करना पड़े तो आपको उसमें परेशानी ना हो। बाड़ा ढंग के बनाने से फ़ायदा ये होता है, अगर बाड़ा आपने ढंग से बनाया है तो बरसात का मौसम में भी आपको कोई विशेष परेशानी होने वाला नहीं है, क्योंकि सबसे ज़्यादा परेशानी इंसान को बरसात के मौसम में ही होता है। तो अगर बाड़ा आप ढंग से बनाए हैं, सोच समझ के बनाए हैं, और जैसा मैं बोला हूं कि लोग को कहना है कि बाड़ा में कम से कम खर्च करें, तो जो कम खर्च कम करना है मैं मानता हूं, लेकिन इतना आप तरीके से ज़रूर बनाएं कि आपको समय के अनुसार, जिसे खास करके बारिश में ज़्यादा परेशानी का सामना ना करना पड़े, क्योंकि इतना जानवर आपको सपोर्ट नहीं करेगा। आप अगर सुविधा बनाए हैं तो उसी सुविधा के अनुसार आपको चलना है। जैसे अगर आपने ढंग से बनाया है बाड़ा, बरसात में आपको आराम मिलेगा, और कम खर्च के करके जो बाड़ा बनाए हैं उन्हें घनघोर जो बारिश हो रहा है इस समय, उनको बहुत ज़्यादा हालत ख़राब होगा, ये मैं समझ रहा हूँ क्योंकि मेरे सर्किल में बहुत सारे ऐसे लोग हैं। तो अगर ढंग से आप बनाए हैं, जैसे कि मैं बनाया हूँ, आप देख रहे हैं कि
ये बाहर बीच में निकलने का जगह मैं बनाया हूँ जिसमें बकरियाँ आराम से बाहर निकल के घूमती हैं। बाहर निकाल के मैं बकरियों को, बाहर बारिश भी हो रहा है तो बकरियों को मैं बाहर निकाल दिया। चूँकि बाहर बहुत ज़्यादा गीला है, मौसम लगातार बारिश का बना हुआ है, बारिश हो रहा है, तो बकरियों को मैं बाहर निकाल नहीं सकता। तो बीच का मैं स्पेस वही इसीलिए मैं सोच समझ के दिया था कि बकरियों को देखिए मैं इसमें निकाल दिया हूँ, और निकालने के बाद अंदर मैं मज़े से सफाई कर रहा हूँ। सफाई करने में कोई परेशानी मुझे नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर बकरी अंदर रहती तो मैं सफाई ढंग से नहीं कर पाता। या फिर बाहर अगर बारिश हो रहा है तो बकरी को अगर हम टाइमली बाहर निकाल देते हैं तो बकरी बाहर भी पेशाब कर लेगी तो फिर अंदर हम पेशाब करने के बाद फिर अंदर कर देंगे तो बाड़ा सूखा सूखा रहेगा। तो इतना सोच समझ के बाड़ा का निर्माण किया जाता है। अगर आपने ढंग से सोच समझ के बाड़ा का निर्माण नहीं किया है, हर पहलू पर नहीं सोचे हैं, सिर्फ ये सोचे हैं कि बकरी से पैसा तो आना है, बाड़े से तो आएगा नहीं, लेकिन घर तो रहने के लिए चाहिए ना। अगर ऐसा होता तो कोई भी इंसान अपना ढंग का घर नहीं बनाता। कोई भी दुकानदार का आप दुकान में जाके देखेंगे, एक अच्छे दुकानदार को, तो उनका घर में जितना सामान नहीं लगा होता है या जितना ढंग से उनका घर बना हुआ नहीं रहता है, उतना ढंग से उनका दुकान सजा हुआ होता है, क्योंकि उन्हीं वही उनका रोजी रोटी है, उसी चीज़ से उन्हें कमाना है। तो बकरी पालन में सफल होने का ये भी एक तरीका है कि आप इतना सुविधाजनक बाड़ा बनाएं, इस तरीका से बनाएं कि आपको उतना परेशानी ना हो। क्योंकि अगर आपको सारे तरीके से अगर तरीके से आपने बाड़ा नहीं बनाया है तो आपको परेशानी होगा। अब मौसम, खास करके मैं बारिश का बात कर रहा हूँ, बारिश और सर्दियों में ज़्यादा बकरी पालन में परेशानी होता है, खास करके मेनली बारिश में। लगातार बारिश हो रहा है, 8 दिन 10 दिन हो रहा है, बकरी को आप कहाँ क्या कीजिएगा। बाड़ा आपने कमज़ोर बनाया है, उसमें पानी जहाँ तहाँ से टपक रहा है, वो परेशानी आपका वो अलग है। नमी मिलेगा, बकरी बीमार होगी, मोटिलिटी का शिकार होना पड़ेगा, तो ये आपको नुकसान हुआ। तो अगर बाड़ा कमज़ोर बनाए हैं तो उससे आपको क्या फ़ायदा हुआ। जो आपके पास साधन है उसी से बनाएं, लेकिन बाड़ा को स्ट्रांग बनाएं, मजबूत बनाएं, ताकि आप, मैं समझता हूं कि मैं जो बोल रहा हूं तो लोगों को लगता है कि इनके पास पैसा था तो इन्होंने बना दिया, मेरे जिसके पास नहीं है वो कैसे करेगा। तो जिनके पास नहीं है मेरे भाई, तो सोच समझ के थोड़ा लेट से ही करें, लेकिन कम से ही करें, कम एरिया में ही बनाएं। लेकिन जो उनके पास साधन है, मैं ये भी कर रहा हूँ कि आपको जिसे मैं लोहा लगाया हूँ, बिल्कुल लोहा ही नहीं लगा देना है, लकड़ी भी लगा सकते हैं, बांस का फट्टी भी लगा सकते हैं, लेकिन जो भी करें बिल्कुल ढंग से आपको करना है, ताकि आपको जिसे ठीक है, आप कहेंगे, यहाँ भी कमेंट करेंगे, दुनिया बहुत लोग, दुनिया में तरह तरह के लोग हैं, अपना बोलते हैं, तो ये दुख आपकी बकरी नहीं सुनेगी। बस उसको सुविधा चाहिए तो ही वो सही से रह पाएगी, नहीं तो आपको परेशान करके रख देगी। और मौसम आपका, गरीबी से मौसम का कोई लेना देना नहीं है, वो एक समान सब पर कहर ढाता है। तो मैं कह रहा हूँ, मैं आप समझने का कोशिश करें, कम है तो कम जगह में ही करें, धीरे धीरे ही बनाएं, लेकिन जो बनाएं स्ट्रांग रूप में बनाएं, क्योंकि एक दिन के लिए नहीं है। बहुत लोग को दिमाग में चलता है कि मैं मजबूत बना दूंगा, और नहीं चल पाया तो क्यों नहीं चलेगा मेरे भाई। पहले ही सोच के अगर आप चलेंगे कि नहीं चलेगा तो कैसे चलेगा, क्योंकि कमज़ोर रहेगा, ढंग से बना हुआ नहीं रहेगा तो आप परेशान होते रह जाएंगे। तो परेशान होंगे तो आगे का प्रक्रिया कैसे कर पाएंगे, आप तो परेशान परेशान रहेंगे। तो ढंग से बाड़ा बनाएं, मौसम का सामना करें, और मौसम का सामना करने के लिए हर चीज़ तरीके से होना बहुत ज़रूरी है। तो मेरा वीडियो में बताने का यही मकसद था कि मैं पैसा तो आपको नहीं दे सकता, संभव ही नहीं है, मैं मानता हूँ, लेकिन एक राय दे सकता हूँ, एक पशुपालक होने के नाते, एक भाई होने के नाते, शुभचिंतक होने के नाते। ऐसा नहीं है कि इक्का दुक्का कमेंट लोग उसे कर दिए तो मैं पीछे हट गया, ऐसा नहीं है। यथासंभव जब तक हो सकेगा मैं आप लोग को सही राय ही दूंगा, क्योंकि मैं करता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ बोल रहा हूँ बस हो गया, मैं करता हूँ, वही मैं बोलता हूँ। और मैं पहले साधारण तरीके से किया था तो मैं सब दिन परेशान रहा था, लेकिन मैं आज छत पर भी किया हूँ तो स्ट्रांग तरीके से किया हूँ, वो भी मेरा सही है। नीचे भी किया हूँ तो मैं स्ट्रांग तरीके से किया हूँ, वो भी सही है। मैं धीरे धीरे ही बढ़ा हूँ, और बढ़ते ही चला जाऊँगा, मैं पीछे घूमने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मैं काम चलाऊ व्यवस्था नहीं रखता। और मेरा सोच सब दिन यही रहा है कि बकरी से ज़्यादा बाड़े से पैसा आएगा। बाड़ा रहेगा तो बकरी तो आती जाती रहेगी, लेकिन बाड़ा तो मेरा सही रहना चाहिए। और इक्का दुक्का जानवर रख के बिल्कुल साफ सफाई रख देना, ये करना वो करना तो चलते रहता है दोस्तों, लेकिन ज़्यादा संख्या में जानवर रख के उसको कुछ, आपको ये दिखाना कि कमेंट कर देना कि बाड़े में सफाई नहीं है। बाड़े में सफाई है, और जो कुछ जो गंदगी आपको दिख रहा है तो उस पर कीटनाशक दवाओं का बराबर स्प्रे होते रहता है, महीने में एक दिन, तो बिल्कुल सैनिटाइज है, जीवाणु मेरे बाड़े में हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने इसके पीछे टाइम दिया है। तो बात को समझे, बाड़ा मजबूत बनाएं, दूरदर्शी रहें। अगर ये मैं ये एरिया जो मैं बीच का 12 फीट का मैं रखा हूँ, और 14 फीट का मैंने ऊपर से करकट दिया है, और आगे का एरिया जो मेरा खुला है, जो मैं बरसात में बारिश हो रहा है, आवाज़ भी आपको जा रहा होगा, तो जो बारिश हो रहा है
ये मैंने तिरपाल लगा दिया है, तो जहाँ मैं खड़ा होकर बोल रहा हूँ खाने के बाद मैं बकरी को यहाँ खड़ा कर दूंगा, बकरी इसमें रहेगी। तो साधन अगर साधन के अनुसार नहीं बनाते हैं तो परेशान हो जाएंगे। अगर मैं वहाँ से लेकर छोनी आगे तक लगा देता तो ये कभी सूख नहीं पाता। एक बार बालू भींग जाने के बाद बालू जल्दी सूखता नहीं है, इसीलिए मैंने इस स्पेस को कम रखा है कि बरसात में मैं तिरपाल रखूँगा। बरसात भर तो मैं मैनेज कर ही लूँगा, उतना तो बालू सूख ही लेगा पानी को, पेशाब को। और जैसे ही बरसात खत्म होगा, ठंडी का दिन आ जाएगा, मैं तिरपाल खोल दूंगा तो बाहरी, और चूंकि अंदर पंखा भी बकरियों को निकालने के बाद चलते रहता है तो पंखा चलेगा और बाहरी हवा अंदर प्रवेश करेगा तो नमी फिर सूख जाएगा, फिर मेंटेन कर जाएगा। हर वर्ष आपको बरसात में जो 4 महीने 3 महीने का जो आने वाली समस्या है, वो समस्या को देखते हुए पूरे बाकी महीनों को आपको तकलीफ में नहीं ले जाना है। तो इस टाइप से आप बाड़ा का निर्माण अगर सुविधाजनक करते हैं तो भी आपका बचाव होगा। अगर बकरी भले ही आप पाँच कम लाएँ, ये मैं आपके भाई के नाते बोल रहा हूँ, 5 बकरी भले ही कम आए लेकिन बाड़ा जितना हो सके तो बिल्कुल सुरक्षित बनाएं। बहुत लोग का कहना है कि गरीब आदमी कैसे करेगा, पैसा नहीं है तो कैसे करेगा। अरे गरीब आदमी, 2 से करो शुरू 4 से शुरू करो, तब तक दूसरा भी काम साथ में करो और धीरे धीरे तुम्हारे पास उसका पर्याप्त पूंजी हो जाए तो बड़े फार्मर बनो। अब कहने के मतलब गरीबी रोने से काम तो चलेगा नहीं। आपने बांस हल्का बांध दिया, कमज़ोर मैंने बांस बाहर किया है, लेकिन बांस जितना भी आप देख रहे हैं सब में लोहा का एंगल का साथ साथ में सपोर्ट है, वो पेंट किया हुआ आपको दिख नहीं रहा है। बांस के बीच बीच में लोहा भी दिया हुआ है ताकि वो बांस का हड्डी भी बकरी ना हिला पाए, क्योंकि मैं जानता हूँ कि हल्का फल्का यदि आप व्यवस्था करते हैं तो आपको नुकसान होगा, सारा दिन बाड़े में लटका हुआ रहना होगा। मैं बकरी को खाना दे दिया हूँ, मैं अगर 5 घंटे यहाँ से लपाता भी 4 घंटे हट भी जाऊँ तो पक्का मैं कॉन्फिडेंस में हूँ कि मेरी बकरी इधर से उधर नहीं होगी, बिल्कुल अपने जगह पर खाई है, बैठी होगी, आराम कर रही होगी, क्योंकि मैंने बाड़ा सोच समझ के बनाया है और मैंने बहुत टाइम दिया है। ठीक है, बहुत लोग कहना है कि ट्रेनिंग के पैसा से कमा लिए, ठीक है, मैं आखिर ट्रेनिंग के पैसा से तो मैं तब कमाया जब मेरे से लोग सीखे, मेरे को उस लायक समझे। आप भी कुछ ऐसा बने, कुछ आप भी कमाल कर जाएं। कोई भी ट्यूशन इतना लड़कों को पढ़ा रहा है, कोचिंग संस्थान टीचर चला रहा है, क्या पैसे नहीं लेता? आप अपने बेटे को पढ़ने के लिए भेजते हैं तो पैसे नहीं देते हैं? तो फिर मैं लेता हूं तो कौन सा गुनाह कर रहा हूं? मैं किसी को हाथ पकड़ के ज़बरदस्ती लेता क्या? कि नहीं, वो करना है तो कहीं ना कहीं से तो सीखना ही है। तो उमेश कुमार कुशवाहा में क्या बुराई है मेरे भाई? टाई नहीं लगाता हूँ इसलिए, टेबल कुर्सी पर नहीं बैठता हूँ इसलिए। एक सच्चा किसान, सच्चा पशुपालक, सच्चा फार्मर ही आपको ट्रेनिंग दे सकता है, टेबल कुर्सी पर बैठ के बकरी पालन का ट्रेनिंग नहीं दिया जा सकता। तो धन्यवाद दोस्तों, बाड़ा कभी भी बनाएं, सुरक्षित बनाएं और ऐसा बनाएं कि जिसमें बकरी को बढ़िया से रख पाएं। भले ही 5 बकरी से शुरू करें लेकिन बाड़ा पर आपको मेन फोकस करना है, मजबूती तो होना ही चाहिए। अगर मजबूत नहीं है तो आपको परेशानी का सामना सब दिन करना पड़ेगा। और ख्याली पुलाव पर यूट्यूब पर सिर्फ ये सोच के खुश मत हो जाएं कि बकरी से पैसा आता है, बाड़ा से नहीं आता है। मेरा कहना है बाड़ा से ही आएगा, बाड़ा सही सलामत रहेगा, बाड़ा बढ़िया रहेगा तो बकरी उसमें रहेगी, सही सलामत रहेगी, समय से बच्चे देगी और आपका टर्नओवर होता रहेगा। तो एक बार हिम्मत करके आपको बाड़ा बढ़िया बनाना ही होगा, क्योंकि वो एक दिन के लिए काम नहीं है। एक बार आप मजबूत बना दिए हैं, उसको सेफ्टी रख रहे हैं, सही से रख रखाव रख रहे हैं तो बाड़ा आपका चलता रहेगा, बकरी तो आते जाते रहती है। और जो लोग भी स्पेशलिस्ट यूट्यूब पर वीडियो डाल रहे हैं, वो उतना दिन से वो कर रहे हैं, आप घर में बैठ के अनुमान लगा लेते हैं और बेचारे रात दिन पागलों की तरह ऊपर का पसीना, माथे का पसीना जो नीचे पिछवाड़े तक आ रहा है, वो पगला है? मैं क्या कोई भी पशुपालन में जो टाइम 5 साल दिया हो, 10 साल दिया हो, वो बहुत कुछ झेले हुए रहता है, वो बताता है। दोस्तों मैं ऐसा ही हूँ, आप 1000 गाली दें मैं ऐसा ही बोलूँगा, मैं आपके कारण बदलने वाला नहीं हूँ। मेरा मकसद है कि मेरा वीडियो से अगर एक भी किसान का हेल्प होता है, मदद होता है, तो मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझूँगा। बकचोदों को तो कौन कमी है धरती पर, बहुत लोग हैं, तो मैं तो रात दिन ऐसा झेलता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। नमस्कार दोस्तों।